क्लॉकटावर थाना अंतर्गत बैंक के कर्मचारी द्वारा ही मिलीभगत कर एक उपभोक्ता के खाते से 1,60,000 रुपए निकालने का मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने क्लॉकटावर थाने में बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जीसीए कॉलेज के पास बैंक का मामला है, जिसमें जमील खान ने एक चेक इंडिया इन्फो लाइन में NEFT करने के लिए बैंक कर्मचारी अक्रम को दिया। अक्रम ने सर्वर नहीं चलने का बहाना बनाकर उसे शाम को UTR नंबर लेने को कहा। जब जमील शाम को गया तो फिर से सर्वर नहीं चलने का बहाना बनाकर उसे कल आने को कहा गया। जब वो सुबह पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसके खाते में पैसे ही नहीं है। उसने पता किया तो जिस चेक संख्या से NEFT होनी थी उसी से किशनगढ़ की बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से सेल्फ द्वारा 1,60,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया, जिससे बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से धोखाधड़ी होना साबित हो गया। बहरहाल पुलिस ने धारा 420 406 IPC में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जमील खान नामक एक व्यक्ति ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 21 तारीख को उसने एक चेक संख्या 10 इंडिया इन्फो लाइन में NEFT करने हेतु बैंक में जमा कराया था, जो अकरम नाम के व्यक्ति को चेक दिया गया था। उसने कहा कि अभी सर्वर नहीं आया है, आप शाम को UTR ले जाना। शाम को जब गया तो उन्होंने कहा सर्वर अभी चालू नहीं हुआ है, आप सवेरे ले जाना। दिनांक 22/3/17 को जब वह बैंक में गया तो उसको मालूम हुआ कि उसके खाते में पैसा नहीं है, जिस पर उसने मालूमात किया तो उसका चेक किशनगढ़ बैंक से किसी ने उठा लिया, जो 1,60,000 रुपये की इसके साथ चीटिंग की गई है। इस पर मुकदमा नंबर 101/17/420 में दर्ज कर ASI श्री राजाराम जी ICOP केसरगंज अनुसंधान कर रहे हैं। क्लॉकटावर थाना पुलिस ने गुरुवार को चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में चोरों ने चोरी का कारण मौज मस्ती करना बताया। क्लॉकटावर थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल राम विश्नोई ने बताया कि कोटला निवासी हरि सिंह रावत ने गुरुवार 23 मार्च को थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी कि केसरगंज सब्जी मंडी से शाम को जब सब्जी बेचकर घर जाने लगा तो बाइक नहीं मिली, जिस पर क्लॉकटावर थाने में बाइक चोरी की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कालू सिंह और रामकरण गुर्जर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई गई बाइक भी बरामद कर ली। श्री अर्जुन सिंह सनोप हरि सिंह रावत निवासी कोटरा ने बताया कि मैं फ्रूट ये सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाता हूँ और मैंने अपनी DL नंबर की मोटरसाइकिल है वो खालसा होटल के पास खड़ी की थी। शाम को जब मैं घर जाने लगा तो मोटरसाइकिल मैंने तलाश की तो नहीं मिली, जिसकी मैंने काफ़ी तलाश की लेकिन नहीं मिली, जिस पर मुकदमा है जो दर्ज हुआ और दौरान अनुसंधान मुखबिर की इतला पर मुलजिमान कालू सिंह व रामकरण गुर्जर को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है।